उत्तर प्रदेश राज्य बारी संघ गोरखपुर इकाई के तत्वावधान में वीर शिरोमणि रूपन बारी की जयंती समारोह का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिवक्ता सभागार में किया गया। इस मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष परमेश्वर प्रसाद बारी, उपाध्यक्ष राम नारायण बारी, महामंत्री प्रेम शंकर बारी, अजीत कुमार सहित अन्य पदाधिकारी और समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा वीर शिरोमणि रूपन बारी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर बारी समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के साथ दहेज रहित विवाह, शिक्षा व रोजगार सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष परमेश्वर प्रसाद बारी ने कहा, हमारा नाम परमेश्वर प्रसाद, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ का। उत्तर प्रदेश राज्य बारी संघ गोरखपुर का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। शिरोमणि रूपन बारी जयंती का समारोह हम लोगों ने मनाया है। वीर रूपन जी हमारे पूर्वज हैं और वो अलाउदल के ज़माने में भी रामचरितमानस में भी उनका वर्णन आता है कि इसलिए जो है हम लोग उनकी जयंती हर वर्ष मनाते हैं। वास्तव में उनकी अष्टमी के दिन जो है, दुर्गाष्टमी के दिन जो है जन्माष्टमी है, उस दिन जो है हम लोग उनका जन्मोत्सव छोटे रूप में मनाते हैं और बृहद रूप में जो है निश्चित तिथि करके कोई भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें मुख्य अतिथियों को, बाहर से लोगों को और सबको, स्वजाति बंधुओं को हम लोग निमंत्रित करके बुलाते हैं और वीर शिरोमणि की जयंती मनाते हैं। जी, इसमें चर्चा हुई है कि बारी समाज के लोग जो है एक और थोड़ा संगठन को अपने मजबूत करें, शिक्षित हों और दहेज प्रथा का विरोध की हो और जो है अपने व्यवसाय को जो है आगे बढ़ाएं। शिक्षा के क्षेत्र में ये कि हर आदमी खाए भी ना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए और तभी जो है अपना विकास और देश का विकास होगा।